कार्यालय में, उसकी गतिविधियों में, उसके कार्यों में परिणाम आना शुरू हो जाता है। एवेरान का जंगली पालन, एवेरान एक जगह है, वहां पर एक बच्चे का जन्म हुआ और जन्म होते ही एक भेड़िया उठा करके उस बालक को जंगल में ले गया। 12 वर्ष के पश्चात कुछ गांव वालों ने देखा कि एक जंगल में एक ऐसा जानवर, एक ऐसा पशु है जिसकी शक्ल मनुष्य जैसे है। कुछ लोग देखने गए और वहां पर देखते हैं कि वास्तव में यह तो मनुष्य का बालक है, लेकिन उसकी बोल चाल भाव भाव उठना बैठना चाल चलन रहन सहन सब कुछ पशुओं के समान था। वह मनुष्य की बोली नहीं बोल सका क्योंकि प्रारंभ से ही वह भेड़िया जंगल के जानवरों से उसकी दोस्ती हो गई। कोई भी जंगल का जानवर उसे आघात नहीं किया, उसे मारा नहीं। तो जंगल के जो जानवर थे उनकी भाषा को, उनकी बोली को सीख गया, मनुष्य की बोली नहीं बोल पाया और उसकी पूरी गतिविधियां उसी तरह से हो गई। तो हमारा जो कार्य हम जब करते हैं तो जिस तरह से हम परिवेश में रहते हैं, जैसे वातावरण में रहते हैं, उस तरह से क्रियान्वित होता है। बुद्धि कार्य करने के लिए एक मार्गदर्शन देता है। पूर्वज एक मनोवैज्ञानिक है, पूर्वज उनका कहना है कि कार्य करने की विधि हर प्रत्येक जिसकी बुद्धि होती है उस तरह से विभिन्न प्रकार की होती है। तो बुद्धि के द्वारा ही कार्य को हम करने की विधियों को प्रतिपादित करते हैं, जानते हैं। गणित अध्यापन के अंतर्गत हम अभी देख रहे थे गिनतियों का वाचन, गिनती। धन्यवाद विष्णु जी, बहुत बढ़िया आपने बताया और बहुत ही सरल शब्दों में कैसे उनको सिखाया जाए। वास्तव में सीखने की विधियां बहुत अलग अलग है। एक बात और होती है, जब हम अपने परिवेश से निकल करके दूसरे के परिवेश में प्रविष्ट होते हैं, आगे जाते हैं, तो वहां पर उनके अनुकूल जैसा वो अपेक्षा रखते हैं वह जानना जरूरी होगा। थोड़ी देर के लिए घर के मालिक मुखिया होते हैं बाबा, जो बुजुर्ग होते हैं, घर में उनका शासन चलता है, उनके अनुसार घर के पूरे कार्य क्रियान्वित होते हैं। लेकिन जब कभी उन्हें बाहर जाना होता है किसी कार्य के लिए, पोस्ट ऑफिस गए, बैंक गए, तो बैंक में जो नॉलेज की आवश्यकता होगी, जो पोस्ट ऑफिस में आवश्यकता होगी, रेलवे स्टेशन जो आवश्यकता होगी, तो अपने नॉलेज को उनको वहां पर बढ़ाना होगा। घर को संपादित कर रहे हैं लेकिन अब रेल की यात्रा करनी हुई तो वहां के रेल के नियम कानून को जानना उनके लिए अति आवश्यक है। उसी तरह से जब हम क्षेत्रीयता की शिक्षा प्राप्त करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि अपने क्षेत्रीयता के नॉलेज को स्थापित करते हुए मानक जो नॉलेज है वहां तक भी पहुंचना अति आवश्यक है। कुछ उदाहरण, जब हम लोग जैसे इंग्लिश पढ़ते थे तो WERE हमको बेयर बताया गया, जो पढ़ाए थे वो भी अंग्रेजी के अच्छे ज्ञापक, लेकिन जब और आगे बढ़े और उसके उच्चारण हम देखे तो वर दे वर गोइंग WERE वर WOAEN ओमेन पढ़े और कई प्रकार के उच्चारण सुने, लेकिन जब और आगे बढ़े तो वीनिंग, उसका सही उच्चारण है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज हियर वीनिंग। तो मानक एक शब्दावली भी होती है, जैसे कि अंग्रेजी की शब्दावलियां हैं, जैसे हिंदी में भी। अब गणितीय भाषा का नॉलेज क्या, सबसे पहले गिनती के नॉलेज के अलावा हम प्रारंभ करते हैं दूरी के बारे में बताए, बाहर अंदर, बच्चा हमारा परिचित होता है बाहर अंदर, आउटसाइड इनसाइड, यहां वहां, अत्र तत्र, हियर देयर, अत्र तत्र पुत्र, ठीक हमारा अत्र तत्र पुत्र सर्वत्र, हर जगह, हियर देयर एवरीवेयर, हियर देयर वेयर एवरीवेयर, यहां वहां कहां हर जगह सर्वत्र प्रत्येक जगह। सांकेतिक माध्यम से कुछ शब्दों को सिखाना, बताना, जब हम गिनती स्टार्ट करते हैं बताने के लिए कुछ मानक शब्दावलियां मैं चर्चा कर रहा हूं, इसके बाद और आगे में आता हूं। पॉइंट्स पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्षेत्रीय भाषा में 39 है, लेकिन उसकी जो मानक शब्दावली है 39। कुछ आपको उदाहरण बताऊंगा आगे चलकर, ठीक है? एक बार पूरा मैं पढ़ देता हूँ। 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49 नहीं, 49 सिर्फ क्षेत्रीय भाषा में हम सीखे सिखाते हैं, ऐसा नहीं, गलत है। जब हम अपने एक मानक स्तर से ऊपर उठेंगे, मानक स्तर पर आएंगे हमसे बाहर जाकर के, अर्थात मान लीजिए किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठते हैं और वहां आता है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सही है, 49, 49 इस तरह से लिखते हैं, 49 से 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66, ठीक है, 66, लिख के बताऊंगा आपको, 66, 66, 68, 67, 66, 67, 68, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, अब ठीक है यहाँ पर, ठीक है, जैसे 49 कोई करते हैं तो 79 से लगाते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ जब 89 बोलते हैं तो 90 क्यों नहीं बोलते हैं, 89 90 है तो 89 90, हाँ 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100, ये मानक शब्दावली है, ठीक है, चलिए इसके आगे। अब गिनती को हम गणित में अमूर्त अवधारणाएं होती है, जब हम भाषा को बोलते हैं तो भाषा को किसी चीज को दिखाते हैं, ये टेबल है, ये किताब है, ये मोबाइल है, ये पेन है, शर्ट है, ठीक है, भाषा के अंतर्गत। अब गणित को बता रहा है, ये एक है, कहां एक, देयर इज नो एक इस थिंग, कोई इसी वस्तु नहीं है, एक है, एक बॉटल, तो बॉटल को हम बता रहे हैं एक बॉटल, लेकिन एक चीज क्या है, ठीक है, तो एक दो तीन, मतलब इसका तात्पर्य है अमूर्त धारणाएं हमारी होती है, अमूर्त धारणाओं को स्थापित करते हैं उनके मस्तिष्क में ले जाकर, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच छह सात, ठीक है, सात पेन के लिए ऐसा भी लिख देते हैं, लिखते हैं जो कि गलत, कोई बहुत पहले कोई शिक्षक ऐसे नोटिस कर दिए होंगे, जैसे कि इंसर्ट सिलाते हैं, मान लीजिए यहाँ दो मिट्टी लग गई, यहाँ जोड़ करके टेलर जैसे बना गया तो फैशन में आ गया, वैसे चलता है पैंट खरीदने गया तो मैं कहा यार चूहे का कटा पिटा पैंट मत दो, बोले सर ये सबसे महंगा है, ये आज का पैसा नहीं बोले आपको, मैं कहा सबसे अच्छी चीज आप दिखाई पैंट में, तो उसने दिखा दिया पूरे कटे पिटे यहाँ से, चूहे का कटा पिटा आपको मत दिखाओ, पैसा हमारे पास है अच्छा लोग, बोले सबसे महंगा सर पैसा नहीं आज तो होता है, तो फैशन भी हमारा दिमाग आ गया था इस तरह से, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है, इस तरह से।